बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 31 अगस्त 2021 का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए सितारों के संकेत क्या हैं। किसी भी काम में आप जल्दबाजी से बचें, सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। और हाँ, यदि कहीं इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। घर में माता पिता की बात मानना है, उनकी बात सुनना है, उनकी बात को इग्नोर नहीं करना है, तभी आपको फायदा होगा। उपाय क्या करें कि आज हनुमान चालीसा पढ़ के दिन की शुरुआत करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या हैं सितारों के संकेत। आपके लिए समय अनुकूल है, बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी काम को टाले नहीं, उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें, उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें कि आज हनुमान जी के मंदिर जाएं और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटें, लाभ होगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। उनके लिए क्या हैं सितारों के संकेत। आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। मन में यदि किसी तरह की टेंशन है तो वो भी दूर होगी। बस अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करिएगा और किसी से कोई ऐसा वादा मत करिएगा जो आप निभा ना पाए। उपाय क्या करें कि आज सुंदर कांड का पाठ करें, सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। धन लाभ के योग आपके लिए बने हैं, कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आप उधार लेन देन से आज बचें। यदि करियर से संबंधित फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूल समय है। उपाय क्या करें, हनुमान जी की आरती करके दिन शुरू करिए, बहुत लाभ होगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम एच से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके कार्यों में अच्छे योग बने हुए हैं उन्नति के, तो जो काम करेंगे उससे अच्छा लाभ होगा, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। तो अपने काम को टालिएगा नहीं, समय पर पूरा करने की कोशिश करिएगा, अच्छे रिजल्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो दवा खाने में, डॉक्टर को दिखाने में देरी मत करिएगा। उपाय क्या करें कि आज हनुमान चालीसा पढ़ के दिन शुरू करें, लाभ होगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके लिए समय शुभ है, आपके मान यश को बढ़ाने वाला है। बस लंबी दूरी की यात्रा से आज बचना है और यदि गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी सोच समझ के ध्यान से चलाइएगा, बहुत स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। घर परिवार वालों से किसी भी बात को लेकर के उलझे नहीं, पूरा ध्यान अपने काम पर लगाइए। उपाय क्या करें, सुंदर कांड का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके काम तेजी से होंगे, मन में जो उथल पुथल थी, बेचैनी थी, वो भी दूर होगी। आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनका सहयोग मिलेगा कार्य क्षेत्र में, समय अनुकूल है। उपाय क्या करें, किसी गरीब को लाल रंग के फल का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, बस अपने स्वभाव को चिड़चिड़ेपन से बचाना है, मन में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स बढ़ने नहीं देने हैं, पूरा समय अपने काम पर लगाना है। उपाय क्या करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, इसके बाद काम शुरू करें, लाभ होगा।
अब बात करते हैं काम की टिप की। यदि आपके काम, खास करके सरकार से संबंधित काम, बार बार रुक जाते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सरकार से आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ता है तो वो काम नहीं होते हैं, तो आप ये उपाय आजमा सकते हैं। क्या करना है आपको, रविवार का व्रत रखना है और रविवार के दिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करिएगा। दोपहर के समय 5 गरीबों को भोजन सामग्री दान करनी है, पका हुआ भोजन, जो भोजन आप करेंगे उसी तरह का भोजन 5 पैकेट बनाइए और गरीबों को दान कर दीजिए। ये उपाय तब तक करते रहिए जब तक आपका सरकार से संबंधित काम हो नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप भी आजमा सकते हैं। नाम बनाएगा काम में आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति, अपने नाम की गरिमा बना करके रखिए, भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, बहुत फ़ायदा होगा, शांति मिलेगी। हमारे साथ भी बोलिए जय श्री कृष्ण।